हेलो दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद ऐसी वीडियो कर रही हूँ जिसमें कि मैं खुद भी अपीयर हो रही हूँ। तो मेरा बड़ा मन हुआ कि मैं आप लोगों से मिलूँ और बताऊँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं, ऐसे तो चाउमीन सभी बनाते हैं, चाउमीन में अलग तरह से सब कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, पर मैं आज इंडियन फ्लेवर से चाउमीन बनाने जा रही हूँ जो कि हमको बहुत पसंद है। इंडियन लोगों को अपना तड़का डालना बहुत पसंद है, तो मैं आज अपने तड़के से बनाने जा रही हूँ जिसके लिए मैंने इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं। शिमला मिर्च लिया है, करी पत्ता लिया है, लहसुन लिया है, मिर्च ली है, प्याज लिया है, एक गाजर भी लिया है। तो मैं घरेलू तरीके से अपने तड़के से बनाने जा रही हूँ चाउमीन। तो आप देखिए और आप इसको अप्रिशिएट कीजिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। नमक डाल दे रही हूँ गरम पानी में, मैं एक चम्मच रिफाइंड ऑयल में डाल रही हूँ क्योंकि जिससे कि स्टिकी ना हो जाए। अब देखिए पानी उबल रहा है, मैं इसी समय नूडल को डाल दूंगी। गैस को ऑफ कर दूँ। देखिए दोस्तों, 1.5 मिनट के अंदर ये उबलते पानी में डाला था मैंने, ये सॉफ्ट हो चुका है। अब इससे ज्यादा करेंगे तो ये एकदम चिपक चिपा हो जाएगा। तुरंत ही मैं ठंडे पानी से इसको धो दूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा राई डाल रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं इंडियन स्टाइल से बना रही हूँ, तो थोड़े से करी लीव्स डाल रही हूँ। तो मैं इसमें देखिए डाल दे रही हूँ लहसुन, हरी मिर्च, दोस्तों गाजर डाल दिया और बीन्स भी डाल दिया पहले, शिमला मिर्च हम बाद में डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे, शिमला मिर्च भी हमने डाल दिया है 1 मिनट तक ढक के। इसी समय में हम डाल देंगे थोड़ा सॉस, डाल देंगे 1 चम्मच नमक, हमने कम ही डाला है जिससे कि ज़्यादा नमकीन ना हो जाए। अच्छी 1 चम्मच चिली सॉस डाल देंगे, आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद है। थोड़ा सा मैं टमाटर सॉस भी डाल रही हूँ, कई लोग इसको ऊपर से डालना पसंद करते हैं, मैं 1 चम्मच डाल दे रही हूँ। अब इसमें हम नूडल डाल देंगे। और ये थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, ये काली मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा डाल रही हूँ। चाउ मसाला मिलता भी है बिग बाज़ार वगैरह में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने टेस्ट करके देखा तो मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा नमक इसमें मिक्स कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, फ्राई हो चुका है चाउमीन, तो अब हम इसको सर्व कर लेंगे। लेकिन मैं 2 तरह से करूँगी, पहले मैं ऐसे नूडल डाल के सर्व कर दूँगी, जिनको वेजिटेरियन खाना है उनके लिए मैं ऊपर से एक ऑमलेट बना के उसके ऊपर सर्व करूँगी, जिससे कि जिसको नॉनवेज खाना है उस तरह से खा सकता है। और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए दोस्तों में, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।